बिकॉज राशिद भाई भी बोले कि स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता है। लो माइक टेस्टिंग। वो सारा नहीं बोला है मैंने, मैं सीक्रेट रिवील होगा बाद में अगले वीडियो में, ये सब एडिट होने वाला है। तो कैसे हो आप लोग, बहुत टाइम बाद मैं कोई एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली काफ़ी खुशी का दिन है, ऑलमोस्ट एक साल तीन महीने और कुछ दिन बाद मैं फाइनली एक जर्नी पे निकल रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स मुझे वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहते कि कब वीडियो बनाने वाले हो, कब कहाँ पे जाने वाले हो, तो फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरा खुद का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ कि कब मैं निकलूँगा। जो जर्नी है वो आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चली जाएगी। कल रात 9 बजे की मेरी ट्रेन है, तो जाने के पहले जो भी अरेंजमेंट्स है थोड़ी बहुत वो करनी है। एक्चुअली मुझे मेरे GoPro के लिए एक केस चाहिए, कॉज जो जगह मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ से मैं अभी विलेपाले जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे एंड देन चर्चगेट जाएंगे। मैं एक्चुअली ऑनलाइन भी मंगा सकता था पर मेरा टिकट्स कन्फर्म नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा श्योर नहीं था कि मुझे ये केस अभी लेना है या बाद में लेना है, तो इसीलिए आज तत्काल में टिकट्स कन्फर्म हुआ है तो मैं चर्चगेट जा रहा हूँ। तो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए ये चीज़ें पहले ले रहे हैं, बाद में पैकिंग वगैरह करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए लेट हो रहा है तो चलते हैं और बाद में आगे मिलते हैं। विलेपाले स्टेशन पे हूँ मैं अभी और ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक साल तीन महीने बाद मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूँ और कल एक लंबा जर्नी करने वाला है ऑब्वियसली। मरीन लाइन्स पहुँच गए, यहाँ से ईस्ट में है ना। एक्चुअली मुझे GoPro का ऑडियो अडेप्टर भी लेना है बट मैं श्योर नहीं हूँ कॉज मुझे अभी वो यूज़ नहीं आने वाला है। बट देन फिर भी अगर मैं मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे वैसे भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि GoPro के ऑडियो अडेप्टर के बिना तो मोटर व्लॉगिंग मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट लेट्स सी, अभी ऐसा है कि अगर यहाँ पर आए तो ले लेते हैं, एक ऐसा माइंड में है, या तो फिर बाद में ले लेंगे जब भी ज़रूरत होगा। स्टेशन है और भी हम लोग बोरा बाजार सामने ही है। मेरा GoPro का केस लेने का GoPro पे शूट करने वाला हूँ, वो सारा नहीं बोला है मैंने, मैं सीक्रेट रिवील होगा बाद में अगले वीडियो में, ये सब एडिट होने वाला है। अब बैग का चैंड लगा देता मैं, तो इसीलिए इस बार हमारे GoPro का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसके पैसे हम वसूल करने वाले हैं। पर उस चीज़ में कहीं हमारा GoPro ना ख़राब हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, उससे कपड़े वपड़े लेने हैं। क्योंकि हम मास्क पहन रहे हैं, हम GoPro को भी मास्क लेने वाले हैं। बाकी सब बढ़िया है। बेसिकली ये जो पार्ट है GoPro का वो ओपन रहता है, बट देन इससे वो बंद हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। 1800। एक्चुअली ये अभी ऐसे काफी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं बेसिकली पूरा पैक कर सकता हूँ। एंड वैसे ऑडियो अडैप्टर मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मैं आ ही गया हूँ तो मैं ले रहा हूँ, तो ये लेवलियर माइक्रोफोन भी ले रहा हूँ मैं और ऑडियो अडैप्टर भी ले रहा हूँ केस के साथ, बिकॉज राशिद भाई भी बोले कि स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता है, तो यूज़ तो आने वाला है बाद में, अभी यूज़ नहीं आएगा, बट देन लेके रख देता हूँ। तो मैंने फाइनली ऑडियो अडैप्टर एक माइक और ब्लॉगिंग का केस ले लिया, तो थैंक यू राशिद भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो। फाइनली मैंने GoPro का ऑडियो अडैप्टर ले लिया है। बहुत टाइम से ऐसा था कि अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा तो ऑडियो अडैप्टर ले लेंगे, और इसके पहले वाला जो वीडियो है वो मैंने जो शूट किया था वो विदाउट ऑडियो अडैप्टर किया था, पर उसमें कैसे है पता है, या तो तुम्हें हेलमेट का जो वाइजर है वो थोड़ा सा ओपन रखना पड़ता है या तो बाइक को धीरे करना पड़ता है, बट जैसे तैसे करके, क्योंकि पहला वीडियो था वो मेरा GoPro लेने के बाद, इसलिए मुझे ऑडियो की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। पर ऑब्वियस ही बात है अगर मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा तो ऑडियो तो चाहिए,
क्योंकि अच्छे ऑडियो के बिना कोई नहीं देखता है। एंड अभी फिर भी ठीक ठाक पब्लिक हमारा वीडियो देखती है। अगर नहीं यूज़ करूँगा तो OLX पे भेज दूँगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक और अपडेट भी डाल दूँगा। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो वहाँ पर। एक्चुअली प्रॉफिट मार्केट में हूँ अभी, मुझे रैप लेना है जो मुझे मेरे GoPro पे लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना सा GoPro रैप करने के लिए ये पूरा ले लिया यार, कोई ज़रूरत भी नहीं था। अब मेरे को पता नहीं कि ये मेरे को कैरी करना पड़ेगा क्या उधर तक ये बांध देने के लिए हर टाइम। वैसे क्योंकि ये ऐसे छोटे क्वान्टिटी में तो मिलेगा नहीं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बार बार निकाल सकता हूँ, मतलब अपने ही शॉप के लिए। हमारे कानों पे ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई कि मुंबई में लॉकडाउन होने वाला है, यहाँ पे देख के ऐसा ज़रा भी नहीं लगता। मैं ना एक्चुअली टी शर्ट्स देख रहा था, क्योंकि वहाँ पे अगर 5 या 6 दिन होली रहेगी तो मुझे ऐसा कुछ लेना पड़ेगा टेम्पररी जो मैं वहीं पे पहन के फेंक दूँ। और GoPro पे व्लॉग करने में और ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। 7:15 हो रहा है, वापस जा रहे हैं, काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेनी थी, और चौहनी रोड स्टेशन पे हो अभी। अच्छा काफी टाइम हो गया यार, 8 बज रहे हैं और विले पाले पहुंचा हूँ। यहाँ से मेरे को बाइक लेनी है एंड देन फिर घर पे जाना है। एक्चुअली 9 बजे तक का कल का पूरा दिन है मेरे पास, पर कैसा ना टाइम कैसे चले जाता है पता नहीं चलता है, थोड़ा बहुत काम भी बाकी है। मेन जो चीज़ है वो मुझे टेंशन है डेटा का, बिकॉज हर टाइम उसका बहुत मगजमारी होता है। और भाई साहब आज की रात पता नहीं सोने मिलता है नहीं मिलता है। और एक और बड़ी बात जो है वो हमें ये वीडियो एडिट करना है, मतलब ये जाने का पहला वीडियो है यार, तो ये वीडियो एडिट होना चाहिए। पर देखते हैं, इसी की कोशिश है कि हमें जल्दी जल्दी एडिट करना सीखना है और जल्दी जल्दी अपलोड भी करना है। चलो घर पे मिलते हैं। घर पहुंच गया था, अभी भी डेटा ट्रांसफर का ही काम चालू है। मैं जब निकला था तो मैंने मेरे लैपटॉप का कुछ डेटा मेरे हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करने के लिए डाला था, लगभग 350-400 GB था। और अभी भी मैं कुछ डेटा का ही काम कर रहा हूँ। कैसा है कि इस बार मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये लैपटॉप मैं पूरा खाली करूँ ताकि मुझे डेटा का कुछ प्रॉब्लम ना हो। वैसे मुझे डीमार्ट भी जाना था पर लेट हो गया, तो इसलिए कल सुबह जाएंगे। और कल रात 9 बजे का ट्रेन है तो उतना टाइम है हमारे पास, और पैकिंग भी नहीं हुई है तो वो भी कल ही करेंगे। सो मिलते हैं कल। सुबह से उठा था एक्चुअली मैं, अभी 3:30 बज रहे हैं। सुबह से सिर्फ डेटा का काम कर रहा हूँ, बाकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो देखी है। पर डेटा में इतना टाइम लग रहा है ना यार, कैसा है कि 20-30 GB के भी फाइल्स है तो उसमें 10-15 मिनट ले रहे हैं, ऐसे बहुत सी फाइल्स है। यशवुड का भी मेरे पास डेटा है तो वो भी मुझे ट्रांसफर करना है, सारे फाइल्स ऑर्गेनाइज करने हैं, पर बहुत टाइम उसी में चला गया। पर अभी कैसा है ना कि वहाँ पे मेरे लिए चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी, तो मैं जो भी शूट करूंगा वो डायरेक्टली मैं लैपटॉप में ट्रांसफर कर पाऊंगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पर अभी मुझे डीमार्ट जाना है, वहाँ पे आने के बाद पैकिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें लेनी है वो देखना है, एंड देन बस फाइनल। अभी 3:30 बज रहे तो मेरे पास हार्डली 3-3.5 घंटे है, कॉज 7:15 तक मुझे निकलना पड़ेगा। 5:24 हो रहा है, थोड़ा सा दाढ़ी ट्रिम कराया, 1.5 घंटा है मेरे पास, मेरे को पैकिंग करनी है जल्द से जल्द यार, देखते हैं। लेट तो हो रहा है वैसे अभी काफ़ी। घर आ गया हूँ मैं, बाहर के तो सारे काम हो गए हैं पर पैकिंग अब तक नहीं हुआ है, तो मैंने पूरे जो सारे कपड़े ऐसे बेड पे फेंक दिए। अब यहाँ से मुझे जो भी है फटफट उठाना है, बैग में भरना है, तो लेट हो रहा है यार काफ़ी, 40 मिनट है। ये बैग जो है वो मैंने डीकैथलॉन से लिया था 3 महीने पहले, और अभी फाइनली ये यूज आ जाएगा। 3 महीने से ऐसा था कि कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, पर अभी फाइनली निकल रहा है, तो इस बैग का भी उद्घाटन हो रहा है। ये है टी शर्ट, यहाँ पे है ट्रैक पैंट्स, यहाँ पे कुछ शर्ट्स है और शर्ट्स आ रहे हैं। ये है जीन्स, कुछ एसेंशियल चीज़ें, सैनिटाइजर मास्क वगैरह, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। एक्चुअली ये मुझे प्रॉपरली भरना है, GoPro के लिए चार्जर ले लिया है, GoPro की बैटरी चार्ज हो गई है, और शूज़ लेने चप्पल वगैरह लेना है, लैपटॉप लेना है, उसके लिए एक अलग से बैग लेना है, और ये सब फटफट अभी बैग में डालना है क्योंकि 7:02 हो रहे हैं, 7 ऑलरेडी बज गए और ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो 10-15 मिनट है बस मैक्स। पैकिंग तो हो गया यार, काफ़ी लेट हो गया, 7:33 हो रहे हैं। मैंने एंड टाइम पे बैग चेंज किया क्योंकि उसमें जो है वो पूरा प्रॉपर सामान नहीं आ रहा था,
बट देन 7:33 हो रहा है और निकलते हैं अभी। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे का जो सफर है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मथुरा के जो भी वीडियोज है वो आपको आगे देखने मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू। सवा घंटा है मेरे पास, 7:45 हो रहे हैं और मेरे को पहुंचना है मुंबई सेंट्रल। लखन आ रहा है अभी मेरे को छोड़ना है। मैं मेरी बाइक अंधेरी तक लेके जा रहा हूँ, अंधेरी से ये रिटर्न लेके आएगा। बट यार काफ़ी लेट हो गया, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचूंगा, देखते। 8:01 हो रहा है और अंधेरी पहुंच गया। लखन थैंक यू यार, बस क्या। चल बाय बाय। सो अंधेरी पहुंच गया, 8:01 हो रहे हैं, 1 घंटा है और शायद मैं पहुंच जाऊंगा। तो चलते, चल बाय ब्रो।